हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 27 मई। आज 27 मई और अभी हमारी छुट्टी वाली बुआ जा रही है। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं नहा चुकी हूँ, बैठी हो गई हूँ। बुआ जा रही है, एक बुआ कल चली गई थी, बुआ छुट्टी वाली बुआ लड्डू की बुआ की बुआ कल चली गई थी और बुआ आज जा रही है। लड्डू की बुआ की बुआ आज जा रही है, उठ चुके हैं, खेल रहे बाहर। यहाँ पे बहुत जल्दी उठ जाते हैं, यहाँ पे तुमको नींद आता था बहुत उठते बहुत जल्दी। मिलते हैं सबके साथ, अभी जाऊँ चाय वाय बना के सबके लिए, बाबा बर्तन धुलता है, बाकी सारे काम निपटा के मैं मिलती हूँ। बीच बीच में जो होगा मैं दिखाती रहूँगी आप सबको। मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, मैं तैयार हो रही हूँ और सारा सामान कैसे फैला हुआ आप देख सकते हैं, फिर से फैल गया है। और मेरा भाई मेरी हेल्प कर रहा है तैयार होने में, ये बचपन से ही मेरी हेल्प करता है। ये मेरा भाई और बहन दोनों है, ये मुझे लेने आया था और मैं पूरे 1 साल बाद अपने घर जा रही हूँ गांव। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और चेहरे पे आप खुशी देख सकते हैं, मैं कितनी खुश हूँ। मेरे चेहरे की खुशी देखो गाइस, मैं कितनी खुश हूँ। और मैं जा रही हूँ अपने घर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे टाइम पे बहुत अच्छा फील होता है, कब जल्दी से पहुंच जाऊं। और यहाँ पे सबसे मिलन मिलाप हो चुका है मेरा। लड्डू फर्स्ट टाइम मेरे गांव जा रहे हैं और मैं निकल चुकी हूँ अपने घर के लिए। लड्डू मामा घर जा। हम लोग घर से निकल चुके हैं, अब हम लोग मार्केट जाएंगे। अपने पास में ये जहाँ पे हमारा दुकान है वहाँ पे हमारे परदादा जी मिलेंगे, जिनसे लड्डू को मिलवाना है। उसके बाद मैं उनका आशीर्वाद लेके निकल जाऊँगी। अब यहाँ पे मिल गए हैं, अब हम लोग निकल गए हैं। मेरे ससुराल से मेरे मायके जाने में 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, काफ़ी दूर है। अगर आपको पता चलता है कि मैं कौन से रोड से जा रही हूँ तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग गाँव लड्डू के मंगन के लिए आए थे, जो कि बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बस गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा थी, फिर भी बहुत मज़ा आया हमें गाइस, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया हमने। मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम अयोध्या गई थी, वो भी लड्डू के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं कब जाने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर लड्डू सो चुके थे, पूरे रास्ते लड्डू सोए थे, इनको बहुत नींद आ रहा था। अच्छा, और अब बस 10 मिनट में मैं अपने घर पहुँचने वाली हूँ, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। और पहुंचते ही हम लोग आपस में मिलने जुलने लगे, थोड़ा सा इमोशनल हो गए, लड्डू सबके साथ खेलने लगे। छोटा सा ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा बताइएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।